बॉलीवुड के बेहतरीन सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अदनान सामी पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां नौरीन सामी खान का 77 साल की उम्र में 7 अक्टूबर को निधन हो गया। ये जानकारी भी खुद अदनान सामी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है और इस दौरान वो भावुक भी दिखाई दिए। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री से आए दिन निधन की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच अब मशहूर सिंगर अदनान सामी की मां नौरीन सामी खान के निधन की दुखद खबर सामने आई। 90s के बेहतरीन सिंगर में से एक अदनान सामी अपनी म्यूजिक से हर किसी का दिल जीत चुके हैं। इस वक्त उनके पास भारत की नागरिकता भी है और अब वो अपना घर भारत को ही मानते हैं। अदनान सामी वैसे तो पाकिस्तान से हैं, लेकिन उनके फैंस की भरमार हिंदुस्तान में भी है। अदनान सामी ने सोमवार सुबह अनाउंस करते हुए बताया कि उनकी मां बेगम नौरीन सामी खान का 77 साल की उम्र में 7 अक्टूबर को इंतकाल हो गया। सिंगर ने एक इमोशनल नोट लिखते हुए अपनी मां की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अदनान ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके निधन पर शोक जताया। उनके निधन का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। अदनान सामी ने लिखा, बहुत दुख के साथ मैं अपनी प्यारी मां बेगम नौरीन सामी खान के निधन की खबर आप सभी को दे रहा हूं। हम गहरे दुख में डूबे हुए हैं। इस खबर को सुनने के बाद से सभी को जबरदस्त झटका लगा है। वो एक अविश्वसनीय महिला थीं जिन्होंने हर इंसान के साथ बड़े मान सम्मान से बात की, उनके साथ प्यार और खुशी से रहीं। हम उन्हें बहुत याद करेंगे। कृपया उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अल्लाह हमारी प्यारी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आशीर्वाद दे। सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद उनके फैंस और फॉलोअर्स ने अदनान की माँ को श्रद्धांजलि दी है। आइए जानते हैं आखिर कौन थे अदनान सामी के माता पिता। अदनान सामी का जन्म 15 अगस्त 1971 को लंदन में हुआ था और वो वहीं पले बड़े। उनके पिता अरशद सामी खान अफगान पाकिस्तान के पश्तून थे, जबकि उनकी मां नौरीन खान जम्मू की थीं। अदनान के पिता पाकिस्तान वायुसेना में पायलट थे और बाद में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बन गए, जिन्होंने 14 देशों में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में काम किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।